नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। इसमें हम जो भी टॉप क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आने के चांसेस ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, जो भी घटित हुआ है अभी तक, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपसे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए, बिना देरी करे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 600 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट पांगी एरिया के लिए अप्रूव कर दिया है। यह प्रोजेक्ट किस पास या किस दर्रे पर, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है, ये निर्मित है, उसका नाम क्या है? उस पास का आपको यहाँ नाम बताना है। तो आपको बता दूं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स के, वो हमारे जुआल ओरम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जुआल ओरम हमारे यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के। बाकी इन्होंने जो जो ये पास है, जहाँ ये अप्रूव किया है उन्होंने फ़ंड, तो उस पास का नाम है सच पास। क्या नाम है? सच पास। ये हमारा चंबा में है ये पास, और ये हमारा पांगी वैली को चंबा वैली से कनेक्ट करता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, देश का पहला गोल्डन महाशीर फिश ब्रीडिंग फॉर्म ये हमारा कहाँ पर है? तो देश का पहला गोल्डन महाशीर फिश ब्रीडिंग फॉर्म हमारा मंडी में है। कहाँ पर है? मंडी में। मंडी में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल प्रदेश का वाइस चांसलर, किसे नियुक्त किया गया है? हमारी अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ये हमारी मंडी में है, और ये हमारी पहली, जो हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ मेडिकल एंड हर्बल साइंस की एजुकेशन है। वहाँ पर मेडिकल एंड हर्बल एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड वहाँ एजुकेशन है, जो और कहीं नहीं है हिमाचल प्रदेश में, एकलव्य मंडी में ही है। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर है वो हमारे सुरेंद्र कश्यप है। सुरेंद्र कश्यप हमारे वाइस चांसलर। और चांसलर की बात करें तो हमारे जो गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय, ये हमारे 27th गवर्नर है इसके, हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे चांसलर है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राज्य स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब इम्प्लीमेंट की गई थी? तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये जो योजना है, जो हमारे गरीब है गाँव के, रूरल पुअर यूथ, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ऐसी एक स्वावलंबन योजना भी है हिमाचल प्रदेश में, जो सेम वर्क इससे लिंक करती है। इसमें क्या होगा, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, अगर मतलब उन्हें अपने काम के लिए, स्वरोजगार पैदा करने के लिए, कि अगर वो कोई काम करना चाहते तो उन्हें लोन दिया जाएगा किसी भी बैंक के थ्रू। तो जो बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें 3 साल के लिए लोन मिलेगा, उसमें 5% के दर के हिसाब से वो अपना कोई भी काम खोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, जिससे वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मेन मोटिव है उनको रोज़गार देना। तो ये इंडिया में 25 दिसंबर 2014 को ये आई थी योजना, 25 दिसंबर 2014 को। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये 2016 to 2017 के बीच में आई है। तो ये इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय योजना कब शुरू की गई, तो 2016 to 2017 में। तो ये इससे रिलेटेड आंसर था। हिमाचल प्रदेश में नया हेलीपैड कहाँ बनाया जा रहा है, इसका सीएम जयराम ठाकुर ने हाल ही में निरीक्षण किया। तो ये शिमला था, जो हेलीपैड वहाँ बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया था। निरीक्षण के हिसाब से यहाँ शिमला आंसर है। वैसे बात करें तो मंडी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता ही है। बाकी 3 नए हेलीपैड भी बनेंगे, जिसमें कुल्लू, शिमला और कांगड़ा, इन 3 जगह पे न्यू हेलीपैड बनेंगे 3, और मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ 1 मंथ का स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, ये कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो ये जो चलाया जा रहा है नवम्बर से दिसंबर तक, 15 नवम्बर to 15 दिसंबर तक, 15 नवम्बर से 15 दिसंबर तक ये कैंप चलाया जा रहा है। हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को इसके लिए साक्षर किया जा रहा है, जो टीचर्स के थ्रू, कि वो उन्हें एजुकेशन दे इसके रिलेटेड, और जितना हो सके इसको ख़त्म करे, क्योंकि पूरे हिमाचल में बहुत
तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया गया था 15 नवंबर टू 15 दिसंबर के बीच में। अलाई भलाई फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? बंदारू गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय द्वारा, तो ये हमारा हैदराबाद में था जहाँ इन्होंने इसे इनोग्रेट किया था। ये हमारे 27th गवर्नर है, इससे पहले हमारे 26th थे कालराज मिश्रा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पुराना कौन था हमारा, तो आपको ध्यान रखना है। हिमाचल एप्पल फेस्टिवल जिसका सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में इनोग्रेशन किया, इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया था जॉइंटली किया था स्टेट टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो शिमला में कहाँ किया गया था? तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिमाचल एप्पल फेस्टिवल कहाँ किया गया, ऑर्गेनाइज शिमला में किया गया। इसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने जॉइंटली काम किया डिपार्टमेंट ने, वो कौन कौन से थे? एक तो स्टेट टूरिज्म थी और एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो हिमाचल एप्पल फेस्टिवल कहाँ सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ये इनोग्रेट किया गया था, और ये किया गया था शिमला के गेटी थिएटर में। कहाँ किया गया था? गेटी थिएटर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा प्रोग्राम आरंभ किया है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग एंड स्पीड फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए? तो ये नया उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है हिम प्रगति पोर्टल। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हिम प्रगति पोर्टल। इसमें क्या है? इसमें आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ट्रैकिंग और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी यहाँ सॉल्व की जाएगी, जो भी हमारे निवेश होंगे इसमें। मेन रोल क्या है? जो परियोजना जितनी परियोजना है हिमाचल प्रदेश लॉन्च करेगी उसकी निगरानी की जाएगी, बाकी जो भी निवेशक है अगर उनके कोई भी मुद्दे उन्हें हल किया जाएगा। ये पोर्टल HPNIC के थ्रू की हेल्प से विकसित किया गया है 2018 अक्टूबर 2018 में से विकसित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि उन मुद्दों को ऑनलाइन ख़त्म करना, निपटारा करना जो भी निवेशकों के है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स है आ रही है तो उन्हें भी प्रॉपर योजना अप्लाई करने में तो उन्हें भी ख़त्म करना, बाकी जो डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में इक्वलिटी बना के रखना। तो ये हमारा हिम प्रगति पोर्टल जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर पढ़िएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, बहुत से क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस की शपथ किसने ली? तो ये हमारे लिंगप्पा नारायण स्वामी जी है। ये हमारे 25th हमारे चीफ जस्टिस है। इससे पहले हमारे वी रामा सुब्रमण्यन थे, उसके बाद जो 24 थे, 25th हमारे कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सा नंबर था उनका, तो वो है 25th। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं हिमाचल प्रदेश पे रैंकिंग के बेस पे, इन चीज़ों के बेस पर कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने 22 लाख रुपए की लागत से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू की आधारशिला की। तो जयराम ठाकुर जी ने जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी 22 लाख की कीमत से एक आधारशिला रखी है, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। तो वो कहाँ बनाई जाएगी? तो वो कुल्लू में बनाई जाएगी। तो ये जो 22 लाख फंड मिला है ये कुल्लू के लिए मिला है, बाकी इनकी फ़ोटोज़ दो जगह बनाई जाएगी, एक तो बनाई जाएगी कुल्लू में, एक बनाई जाएगी आपकी शिमला में। तो ये ध्यान रखिएगा इन दो जगहों पर आपकी इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, ये वाली 22 लाख अलॉट हुए हैं कुल्लू को, तो ये ध्यान रखिएगा। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल के अवसर पर कितने भजंतरीज ने एक साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर देवधुन बजाने का रिकॉर्ड स्थापित किया जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ? ये कुल्लू दशहरा फेस्टिवल था, उसमें उन्होंने देवधुन बजाई थी जो वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से, तो उसमें जो उन्होंने धुन बजाई उसमें बहुत से भजंतरियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिस कारण उन्हें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका ये रिकॉर्ड स्थापित हो गया। तो कितने भजंतरीज थे जिन्होंने मिलकर ये धुन बजाई थी? तो दोस्तों वो थे हमारे 2200। कितने थे? 2200 भजंतरीज जिन्होंने मिलकर ये धुन बजाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है पुष्प क्रांति योजना। पुष्प क्रांति योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है जिससे फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो कोई नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हेल्थ और एजुकेशन में दोनों में हिमाचल को फर्स्ट अवार्ड मिला है। जो हमारा गुजरात सम्मेलन हुआ था वहाँ इंडिया स्टेट ऑफ द बेस्ट स्टेट्स अवार्ड इन्हें गुजरात में मिला था, जहाँ राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था गांधीनगर गुजरात में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जीवन अभियान के तहत 160 करोड़ की 32 परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को की जाएगी?
तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कुल्लू। कुल्लू में जल जीवन अभियान के तहत 160 करोड़ की 32 परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी। जल से याद आया तो जल से एक हिमाचल प्रदेश में योजना है, हर घर में नल से जल योजना, ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है, हर घर में नल से जल योजना। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए जल जीवन मिशन ने जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसके थ्रू इस योजना को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे स्वच्छ जल हर घर को मिलेगा पीने को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये योजना भी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया है कि मंडी में बनाया जाएगा। बाकी तीन और को मंजूरी दी गई है हेलीपैड के लिए, तो वो कौन है हमारे, शिमला, कुल्लू एंड कांगड़ा। तो थ्री इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। सीएम जयराम ठाकुर ने हाल ही में एक बुक रिलीज़ करी है जिसका नाम है 16 प्रेम कहानियाँ, तो ये किताब किसने लिखी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आरसी वर्मा, सेकंड आरसी वर्मा इसका राइट आंसर है, जिन्होंने ये किताब लिखी है 16 प्रेम कहानियाँ। बुक्स भी पूछ लेते हैं एग्जाम में आपसे, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अंडर प्रकृति खेती खुशहाल किसान योजना, इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कितने फार्मर्स को ट्रेंड किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2019 में 50,000 फार्मर्स को इस प्रकृति खेती खुशहाल योजना के तहत, किसान योजना के तहत 50,000 फार्मर्स को ट्रेंड किया जाएगा। 2020 में जो इसका टारगेट है अराउंड 2 लाख के अराउंड है कि 2 लाख तक कवर करेंगे, और 2022 तक इसका टारगेट 9.5 लाख का है अप्रोक्सी। तो इस योजना के तहत इनकी यह वादा है कि 2022 तक जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल कर दी जाएगी। उसमें ये जीरो बजट फार्मिंग है, ऑर्गेनिक खेती, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। हाल ही में 9th मीटिंग थी जो स्टेट सिंगल विंडो मॉनिटरिंग अथॉरिटी की, इसमें सीएम जयराम ठाकुर जी ने औद्योगिक उपक्रमों और इकाइयों के लिए 29 प्रपोजल साइन किए 880 करोड़ की लागत से। तो ये जो इनके लगभग, इससे लगभग कितने लोगों को रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट नसीब होगा, मतलब कितने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। आजकल आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है ऑल ओवर इंडिया की तरह। तो ये उन्होंने 29 प्रपोजल साइन किया 880 करोड़ के, तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे, 3420 लोगों को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने आयुष पॉलिसी 2019 को अप्रूव कर दिया है, तो इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट स्थापित किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का कितना परसेंट इसमें यूज़ किया जाएगा, तो आयुष्मान आपको पता ही है, इससे रिलेटेड स्कीम भी, आयुष्मान स्कीम जो इंडिया में चलाई जा रही है, हिमाचल में हिम केयर योजना इसके बेस पे चलाई जा रही है, जिनको आयुष्मान के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है। तो हिम केयर योजना हिमाचल में चलाई जा रही है हेल्थ रिलेटेड, जिसमें 5 लाख तक का बीमा आपको फ्री मिलेगा। तो इसमें आयुष थेरेपी यूनिट चलाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का कितना परसेंट यूज़ किया जाएगा, तो जो सही आंसर होगा आंसर 4.25% यूज़ किया जाएगा, मतलब अप्रोक्सी 1 करोड़ रुपीज़। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जीवन अभियान के तहत 160 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की जाएगी, कहाँ की जाएगी, कुल्लू में। ये ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी आया था। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट के लिए फेज़ टू के लिए जीका को कितनी राशि प्रदान की जाएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा हिमाचल प्रदेश के, तो 1104 करोड़ रुपये राशि प्रदान की जाएगी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी को। हिमाचल प्रदेश ने कितने करोड़ रिसीव किए हैं अंडर स्टेट कंपनसेटरी अफ्रस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर, तो ये हिमाचल प्रदेश को 1660 करोड़ रुपए, इसका आंसर थ्री होगा, 1660 करोड़ रुपए इसमें कैंपा के थ्रू हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, रिसीव हुए हैं। इसकी हेल्प से जो हमारे होंगे वृक्षारोपण किए जाएंगे, जो भी यह फंड मिला है, मृदा और जल संरक्षण किया जाएगा, वन जीव गतिविधियाँ, स्कूल बच्चों और वृक्षारोपण, लटाना, बंदर नसबंदी आदि जो भी रिलेटेड टू फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो इसे कवर किए जाएंगे 1660 करोड़ से कैंपा के अंडर। कैंपा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया, यह मैं बता चुका हूँ आपको, सुरेंद्र कश्यप रेड्डी, और चांसलर गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, मंडी में है ये। हाल ही में भूटान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें एयरफोर्स हमारे पायलट थे फ्लाइंग कमांडर रजनीश परमार जी, इनकी डेथ हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये करते थे हमारे कांगड़ा से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके फेसबुक में, व्हाट्सअप में, अपने फ्रेंड्स को रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में। तो मैं इसी तरह आपको वीडियो लाता रहूँगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अब लेक्चर हिमाचल प्रदेश में लाने वाला हूँ वो आप इजीली देख सके, आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।